Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel. आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है. आज एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं. अच्छा कि जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, बहुत से लोगों को वो पसंद भी होती है और खासकर स्पेशली गर्ल्स को, तो उनके लिए ये वीडियो है. अच्छा हमको सिखा दिया है. अच्छा आज हम बनाने जा रहे हैं होमीज फूड की वन ऑफ मोस्ट स्पेशल डिश चिकन चाउमीन. उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और वो कैसे तैयार होती है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे. सबसे पहले हमने लिया आयल, आयल में हम डालेंगे चिकन. और दूसरी तरफ हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था जो कि बॉयल हो चुका है. इसमें हमने डाला है नमक और थोड़ा सा ऑयल और अब हम इसमें डालते हैं स्पैगेटी. इन सारी सब्जियों को आपने बहुत हल्की आंच पे पकाना है और दम दे के पकाना है. बहुत ज़्यादा आपने चमचा नहीं लाना कि जिससे जो है हमारी सब्जियां वो टूट जाए. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज में कटी हुई होनी चाहिए. अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्डन. आलू को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना. चिकन के बाद आलू हमने सिर्फ एक मिनट के लिए पकाएं. उसके फौरन बाद हम इसमें गाजर मिक्स कर देंगे. और दूसरी तरफ हमारी स्पैगेटी जो है वो बॉयल हो रही है. ये तकरीबन 50% बॉयल हो चुकी है. इसको जब तक ये अच्छी तरह बॉयल नहीं होती इसको पानी में रखना है. तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने आलू और गाजर को पकाया है जो कि अब काफ़ी हद तक तकरीबन 90% तक ये दोनों चीज़ें पक गई हैं. अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च. शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम डालेंगे प्याज जो कि इस रेसिपी में सबसे मज़े की चीज़ है और ये बहुत अच्छा जायका देती है इसमें. इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्च. अब हम आते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ. तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक चिकन क्यूब. चिकन क्यूब के साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च. आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. हमें ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे. अब हम आते हैं अपने सॉसेज की तरफ. तो इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस. चिली सॉस. रिस्पेक्टी है जो कि बॉयल हो गई है इसको हमने गर्म पानी से निकाल के फौरन ठंडे पानी में डाला था जिससे ये अब चिपकेगी नहीं, अलग अलग रहेगी और अच्छी लगेगी. इसको अब हम शामिल करते हैं अपनी वेजिटेबल्स में. इसे हमने डाल दी थी. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है कि इसको मिक्स कैसे करना है. जो कि जितनी आप एहतियात से करेंगे उस उतने इसकी शक्ल भी अच्छी रहेगी और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी. ज़रा बनने के लिए